नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम सरसों का भाव जानने के लिए मंडी में पहुंचे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां सरसों के ढेर जो है लगे हुए हैं। लगातार सरसों की आवक जोरों पर है और किसान जो है अपने खेतों से सरसों लेकर मंडी में आ रहा है। जगह जगह मंडी में सरसों के ढेर लगे हुए हैं। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कट्टे में जो सरसों भरी जा रही है, उसके बाद में इसकी पैकिंग हो रही है। पैकिंग होने के बाद में ये जो सरसों है ये मिलों के अंदर जाएगी, वहाँ इसका तेल तैयार होगा। अब हमारे साथ में इस समय मौजूद है मंडी के व्यापारी रामोतार गुप्ता, उनसे हम जानेंगे कि आज कितनी सरसों की आवक थी, क्योंकि मंडी में दो दिन की छुट्टी थी और आज तीसरे दिन मंडी खुली है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज मंडी में कितनी सरसों की आवक है और क्या भाव मंडी में सरसों का है। जी रामोतार जी, टाइम टीवी में आपका स्वागत है, बताइए आज मंडी में कितनी सरसों की आवक है, क्या है मंडी में? पहली बात है, मंडी में तीन दिन छुट्टी की वजह से आमद तो हमारे हिसाब से होनी चाहिए थी, हिसाब से 25-30 हज़ार कट्टे, लेकिन आमद वो हिसाब से आमद है 10-12 हज़ार कट्टे की आमद है। कारण क्या है आमद घटने का, कि जमीदार लग गया, काश्तकार लग गया, उसमें गेहूँ में, चने में, जौ में, कटाई में, और कुछ कह रहा है कि काश्तकार बाहर दिख रहा है कि कैसे गवर्नमेंट आ रही है, तो रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कोई क्या कह रहा है। यहाँ आमद तो होनी चाहिए थी 25-30 हज़ार कट्टे के आसपास। आज कितनी आमद? आज हमारे 10-12 हज़ार कट्टे की आमद आज पूरी मंडी में। भाव क्या है? भाव लगा लो हमारे मंडी में ऊपर के भाव, इस तरह के भाव 5142 हज़ार के भाव। किस तरह की क्वालिटी की सरसों आ रही है? सरसों तो क्वालिटी तो बढ़िया क्वालिटी है, जो मॉइस्चर का माल है वो बिक रहा है हमारे 4500-4600-4700। बढ़िया क्वालिटी की सरसों बिक रही है 5142 हज़ार। किसानों को भाव कैसा मिल रहा है? किसानों को बढ़िया भाव मिल रहा है। किसान क्या है, जो किसान जो बड़े जमींदार है, किसान है, उन्होंने माल रोक लिया है, क्योंकि 1 तारीख को गवर्नमेंट के कांट लगे, गवर्नमेंट रेट है 5650। यहाँ से कौन कौन सी मीलों में जाती है सरसों? यहाँ अपने जो आसपास की मील है मंडी में, मंडी में जो माल परचेज करते हैं वो अपने MIA मील है, MIA माल जाता है। और इस टाइम काश्तकार कौन कौन से गांव से सरसों लेकर? इस टाइम लगा लो अपने बेरा का पास है, साडोली है, अपने सहीद खेड़ी है, मालेखेड़ा है, राजगढ़ है, आसपास जो मंडी होती है वह मंडी के माल काश्तकार लाते हैं, आसपास के बहुत गाँव में लगते हैं। हमारे साथ में व्यापारी जो है रामोतार गुप्ता जी मौजूद थे, हमने उनसे जाना कि किस तरह के भाव सरसों के थे, आज दो दिन बाद मंडी खुली है। अब हमारे साथ में यहाँ किसान मौजूद है, अब उनसे जानना चाहेंगे कि आज वो कितनी सरसों की जो है आवक यहाँ लेकर आए हैं, क्या है। जी सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलूफ है। कौन से गाँव के रहने वाले? बेरकवास। कितनी सरसों लेकर आए हैं आप? सिर्फ लेकर आया हूँ सर, मतलब 25-30 बोरी। कितने बीघा में करी थी और क्या लागत आई? ये तो लागत तो सर ऐसा ही है, मतलब जमींदार लागत तो फुल आ रही है, अपर कुछ आधा जंगल ऐसा है जिसमें सिरसों का मतलब बैठ जाता, आधा जंगल ऐसा है उसमें सिरसों का नहीं बैठता, रेतीला जंगल है। टोटल कितने बीघा में सरसों करी है आपने? टोटल करिए मतलब ऐसे करिए 20 बीघा। और आज कितनी लेकर आए हैं? आज तो सिरसों मतलब कुछ पहले दे गए, कुछ अब लेकर आया। तो भाव कैसा मिल रहा है इसका? भाव तो यही है मतलब 4800-4900 के लगभग भाव मिला हमारे लिए। हमारे साथ में ये किसान भाई मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वो मंडी में सरसों लेकर आए, उनकी सरसों उन्होंने यहाँ बेची है। अब उनका कहना यह है कि अगर और भी सरसों के भाव बढ़े तो उससे क्या है कि किसानों के चेहरे पर और भी खुशी देखी जा सकती है। नितिन शर्मा, अलवर।